सर जी आप भी चाह रहे हैं कि हम चुनाव मोबाइल से कर रहा साहब, हम नहीं चाह रहे हैं। हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी चाह रहे हैं कि हम पाटलिपुत्रा क्षेत्र से चुनाव जीते, और जैसा वो सोचेंगे उन्हीं के अनुसार हम लोग को चलना है। आप तैयार हैं सर? हम लोग पूरे पूरे पार्टी के सिपाही लोग तैयार हैं। सीट शेयरिंग अभी तक नहीं हुई है सर, कहिएगा रितलाल जी, होने की अभी तक क्लियर नहीं हुआ है सीट शेयरिंग। अभी कहीं पे कहीं डेट का नाम ओपन हुआ है किसी पार्टी का? नहीं हुआ है, अब चिंता क्यों कर रहे हैं, धीरे धीरे सब हो जाएगा। अच्छा रितलाल जी, बिना सीट शेयरिंग के पहले ही अब लालू यादव सिंबल जो है दे रहे हैं, कुछ इसमें कांग्रेस सवाल खड़ा कर रही है आप ही लोग पे। देखिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इस विषय पे अधिकृत उन्हीं को किया गया है, जो भी जवाब देंगे वही देंगे। अच्छा जिस तरीके से एनडीए में सीटों का बंटवारा हुआ, पशुपति पारस को कुछ नहीं मिला, पशुपति नाराज है और अब कह रहे हैं कि हम 400 सीट पर चुनाव लड़ेंगे, हमारे पीठ में छुरा भोंका गया है। ये मामला पशुपति पारस जी का है, हम लोग का बात। आप लोग के साथ आएंगे तो स्वागत करेंगे क्या? पारस जी अगर आते हैं स्वागत कीजिएगा। इसके लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। क्या लगता है पशुपति पारस के साथ बीजेपी के लोगों ने नाइंसाफी किया है? इस विषय पर हम क्यों कहें, वो तो पारस ऊपर पारस जी ने जानेंगे। नहीं अब कह रहे हैं जो बीजेपी को बड़का झूठा पार्टी बोलते थे उनको गले लगा लिए हैं, हम लोगों को दूर कर दिए हैं। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कहेंगे वही हम लोग बोलेंगे और वही आगे करना करेंगे। आपकी जो दावेदारी होगी कहीं से? मेरी कहीं से कोई दावेदारी नहीं है, हमारे पूरे महागठबंधन के पूरे 400 सीट में दावेदारी है। पर कांग्रेस में पप्पू यादव का विलय हो गया है और पप्पू यादव चुनाव लड़े जाएंगे। ये कांग्रेस में गए हैं तो कांग्रेस पार्टी ना उनको जिम्मेवारी।